आज हम एक विशिष्ट पादप ऑर्किड की मूल की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ऑर्किड पादप मुख्यतः उष्मीय एवं नमी वाले स्थानों पर दूसरे पादपों के तनों पर, छाल पर उगता है, यानी आश्रय दूसरे पर लेता है। ऐसे में इनको हम अधिपादप या एपिफाइट्स भी कहते हैं। तो ये जल की आपूर्ति के लिए अपनी जड़ों को हवा के अंदर विकसित करते हैं, हवा में होती हैं। हवा में उपस्थित नमी को ये जड़ें अवशोषित करके अपने जल की पूर्ति करती हैं। तो ये एक विशिष्ट लक्षण है। तो इसमें हम आंतरिक संरचनाएं देखते हैं। तो इसमें निम्न लेयर्स होती हैं। सबसे पहले सीमाकारी पर्त, लिमिटिंग लेयर, यह मृत कोशिका द्वारा निर्मित, डेड सेल द्वारा निर्मित बाहरी परत होती है। संभवतः यह परत वेलामेन ऊतक के सबसे बारीक क्षेत्र को निरूपित करती है। दूसरा भाग वेलामेन, सबसे बाहरी परत के नीचे पाए जाने वाली ऊतक परतें वेलामेन कहलाती हैं। यह बहुस्तरी, बहुस्तरी मल्टीलेयर्ड बाह्य त्वचा को निरूपित करती है। इस परत की कोशिकाएँ अत्यधिक सुदीर्घित, मृत एवं मोटी भित्ति वाली होती हैं। संभवतः सर्पिलाकार या जालिकावत रूप से व्यवस्थित रेशों के कारण अधिकांश कोशिकाओं की भित्तियाँ स्थूलित होती हैं। वेलामेन ऊतक वायुमंडलीय नमी का अवशोषण कर पौधे के लिए जल की आपूर्ति में योगदान करते हैं। इसके साथ ही अधिपादप जड़ की आर्द्रता ग्राही प्रकृति हाइग्रोस्कोपिक नेचर को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त वेलामेन ऊतक जड़ के कोमल आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो ये जो दूसरा भाग है जिसे हम अभी पढ़ रहे थे, वेलामेन, यह ऑर्किड का सबसे प्रमुख भाग है और इसी के द्वारा ही पौधे बिना भूमि के संपर्क में आए, हवा में रहते हुए भी वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये विशिष्टता है इसकी और पादप की जल पूर्ति का कार्य इन्हीं के द्वारा, इसी परत के द्वारा होता है। तीसरा भाग है एक्सोडर्मिस, यह वलकुट की सबसे भारी परत है। इसकी अधिकांश कोशिकाएं सुबेरिन, एक रसायन है, सुबेरिन के जमा होने के कारण मोटा, थिकेंड हो जाता है, स्थूलित हो जाता है। इस परत में कुछ अस्थूलित अनथिकंड कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, उनको मार्ग कोशिका भी कहते हैं, पैसे सेल भी कहते हैं, तथा ये जल संवहन हेतु नलिकाओं के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए विशेषता, वेलामेन के द्वारा जो चीज़ अवशोषित की गई है अंदर की तरफ जाइलम तक कैसे पहुँचेगी। तो सुबेरिन जो कि जल के लिए अपारगम्य होता है, वहाँ से नहीं, जहाँ छूटी हुई कोशिकाओं में सुबेरिन नहीं है, मोटाई नहीं है भित्ति के अंदर, वो है द्वार कोशिकाएं, मार्ग कोशिकाएं। तो इन्हीं के द्वारा जल अंदर की तरफ प्रवेश करके जाइलम ऊतक तक नलियों के तरह से पहुंचता है। चौथा भाग वलकुट, वलकुट का अधिकांश भाग एक्सोडर्मिस के भीतर पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं मृदुतकी होती हैं, जिनके बीच सुस्पष्ट अंतर कोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाओं में हरित लवक भी पाए जाते हैं। वलकुट में कुछ वायु प्रकोष्ठ, एयर चैम्बर्स भी मौजूद होते हैं। अंतस्थ त्वचा, अगला भाग अंतस्थ त्वचा, पांचवा एंडोडर्मिस, यह वलकुट की सबसे भीतरी परत होती है। इसकी कोशिकाओं की आंतरिक, इनर एवं अरीय रेडियल भित्तियों पर सुबेरिन का जमाव, निक्षेपण हो जाता है एवं स्थूलन पाया जाता है। इस परत की कुछ कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, इनको मार्ग कोशिकाएं कहते हैं, तथा प्रोटोजाइलम तत्वों, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स के सम्मुख स्थित होती है। अगला भाग है छठा पेरिसाइकल, अंतस्थ त्वचा के नीचे पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जो परिरम कहलाती है। सातवां भाग संवहन ऊतक, तो इसकी कुछ ऑर्किड के मूल में सबसे पहले प्रमुख कौन सी चीज़ थी, वेलामेन। अब दूसरा प्रमुख भाग आता है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक तंत्र में अनेक बहुदारुक, अरीय,
एवं बाह्य आदि दारु अर्थात पॉलीआर्च रेडियल एवं एक्सार्च संवहन बंडल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। फ्लोएम समूहों के चारों ओर दृढ़ ऊतकी संयोजी ऊतक स्प्लेनकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। जाइलम में वाहिकाएं यानी वेसल्स, वाहिनिकाएं ट्रैकीड्स एवं जाइलम मृदूतक जाइलम पेरेन्काइमा इत्यादि पाए जाते हैं। फ्लोएम समूह में मुख्यतः चालनी नलिका तत्व यानी सीव ट्यूब एलिमेंट्स एवं सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल पाई जाती हैं। प्रोटोजाइलम में सर्पिल या वलयाकार स्थूलन पाया जाता है एवं मेटाजाइलम में जालिकावत स्थूलन होता है, जबकि वाहिकाएं यानी वेसल्स पिटेड यानी गर्तमय होती हैं। अंतिम भाग है मज्जा। जड़ के केंद्रीय भाग में मृदूतकी मज्जा अर्थात पेरेन्काइमेटस पिथ उपस्थित होता है। इसकी कोशिकाओं के बीच असंख्य अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं अर्थात इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। मज्जिका की कोशिकाएं आगे चलकर दृढ़ीकृत स्केलरीफाइड हो जाती हैं। तो हमने देखा यहाँ पर सभी भाग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी प्रमुखता से दो चीज़ों पर ध्यान दें, और सबसे पहले एक ही चीज़ है और वो है इसका मुख्य अति मुख्य लक्षण वेलामेन, जो वायुमंडल की नमी को सोखने का कार्य करता है एवं पौधे की जलापूर्ति जल की कमी को पूरा करता है। धन्यवाद।